मैन ट्रेवल्स बाई ए मोटर बोट डाउन रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैग विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज्ड इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ हिज मोटर बोट देन हिज ट्रेवल टाइम गेट्स रिड्यूस्ड बाई 75%. द रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ रिवर इज. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बार ऑफिस आप जाओगे रिवर के अगेंस्ट, ये क्लियर है, और एक बार जाओगे विद द फ्लो. तो अज्यूम कर लो कि जो नॉर्मल बोट का स्पीड है वो बच्चों x है, और स्पीड ऑफ करंट जो रिवर की स्पीड है उसको हमने c अज्यूम कर लिया है. तो अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो स्पीड क्या होगा बच्चों, वो होगा x माइनस c. वाटर क्या करेगा, अपोज करेगा. विद द फ्लो जाओगे तो स्पीड क्या होगा, x प्लस c होगा. ये क्लियर है. और अज्यूम कर लो कि टोटल डिस्टेंस कितना है, d है. सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में सिमिलर केस है, सिमिलर डिस्टेंस d ट्रेवल करेगा. इस केस में आपने नॉर्मल स्पीड को क्या कर लिया है, डबल कर लिया है. तो विद द फ्लो कितना हो जाएगा स्पीड, वो हो जाएगा बच्चों ट्वाइस एक्स प्लस सी, और अगेंस्ट द फ्लो स्पीड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस सी. ये क्लियर है. आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन था कि जो टाइम रिड्यूस हो गया है वो 75% से. इट मीन्स अगर मान लो फर्स्ट केस में 100 मिनट्स लग रहा था, कुछ भी हो सकता है, 100 यूनिट टाइम लग रहा था, सो सेकंड केस में कितना हो जाएगा, इससे 75% कम, यानी कितना लगेगा, 25 मिनट लगेगा. इन दोनों का रेशियो, अल्टीमेट रेशियो क्या होगा, 100/25, यू कह लो 4/1 लगेगा. ये क्लियर. तो बच्चों फर्स्ट केस में टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. तो फर्स्ट केस में स्पीड कितना है, एक्स माइनस सी. सेकेंड केस में स्पीड कितना होगा, डी अपॉन एक्स प्लस सी. जब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया है उस केस में टाइम कितना लगेगा, वो लगेगा डी अपॉन 2x माइनस सी, और प्लस क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2x प्लस सी. और इन दोनों का रेशियो क्या गिवन है बच्चों, फर्स्ट केस में अगर आपको 4 टाइम लग रहा है तो सेकेंड केस में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, वो 1 टाइम लगेगा. यहां पे आप मिनट लो, आवर्स लो, कुछ भी लो, दोनों का रेशियो लोगे तो ये यूनिट खत्म हो जाएगा. ये क्लियर है. यहां डी से डी ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, जब आप एलसीएम लोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी, और न्यूमरेटर में क्या वैल्यू मिलेगा, एक्स प्लस सी एंड प्लस एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई. अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, यहां पे लिखोगे 2x माइनस सी, और ये लिखोगे 2x प्लस सी. तो फिर आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2x प्लस सी एंड प्लस 2x माइनस सी, और ये रेशियो किसके को लगा, 4:1 के. देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सी से सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा. डिवाइडेड बाई ये क्या मिलेगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. यहाँ पे भी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ऊपर चला जाएगा, और ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर. और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे ये 2x था और यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x इज इक्वल टू 4/1. अब ये 2x है, इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो बच्चों 4x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और ये 2 है, जब आप इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो आप लिखोगे 8x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये इक्वल है 8x स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर के. तो आप क्या करो, 4x स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले लो, तो आपको मिल जाएगा ये 4x स्क्वायर, और माइनस 8c स्क्वायर को आप इधर ले लो तो आपको मिल जाएगा 7c स्क्वायर. तो आप सिंपली क्या लिखोगे बच्चे, x बाई सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 7/4, तो यहां से आ जाएगा रूट 7/2. ये क्लियर है. सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. सो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया आपको. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.